Yeah, blue jeans, Air Ones, and a white tee. 06 hanging out the window like E. High feet on one, off a bottle might be my tree. Smoking Agent Orange, high C. Back when me and Marty was recording at my mom. Most of y'all were chasing around bops. I was in the lab, only hoping that my job never would be based around mops. Now I'm on. She know, love me cause my ego. Girls in the drop. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि बारिश का मौसम था और तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया था। और जैसे कि हमारे एक ठो भाई हैं, उनका बहुत कमेंट आ रहा था कि उनका आरपीएम का प्रॉब्लम आ रहा है। वो जब कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का स्टार्ट बार बार बंद हो जाता है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि भैया थोड़ा कैमरा को फोकस करके आरपीएम का कोल्ड स्टार्ट करके दिखाना आरपीएम को कि आरपीएम आपका फ्लक्चुएट करता है या कितना में कांस्टेंट रहता है। तो भाई लोग, आज का वीडियो उसी पर है। मैंने यहां पर अपना एक्शन कैमरा माउंट कर दिया है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। और अभी मैं 5 मिनट का वीडियो लूंगा कोल्ड स्टार्ट करके। गाड़ी मैंने 2 दिन से स्टार्ट नहीं किया है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, चालू करते हैं वीडियो। भाई लोग तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं गाड़ी को अभी स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं जैसे कि मेरा निडल फ्लक्चुएट कर रहा है। वो प्रॉब्लम मेरा फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ही आ रहा था गाड़ी में। तो जब मैं बजाज वालों को सेकंड और थर्ड सर्विस फ्री सर्विसिंग के टाइम में बताया तो उन्होंने बताया कि भाई वो ऑटोमेटिकली थर्ड सर्विसिंग के बाद ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया तो वो प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ही रह गया। और बाहर भी दिखाया बहुत लोगों को, गैरेज वालों को, वो लोग भी ठीक नहीं कर पाए। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अपना आरपीएम एक पर नंबर वन या एक पर सेट किया हूँ। तो अगर चाहें आप लोग तो एक पर ही सेट कर सकते हैं, इससे मेरा कोल्ड स्टार्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। खाली मेरा निडल का फ्लक्चुएशन का थोड़ा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा भी कि कैसे आप लोग आरपीएम कमा सकते हैं, और सॉरी आरपीएम बढ़ा सकते हैं और कमा सकते हैं। आरपीएम का सेटिंग का की भी बताऊँगा, ठीक है। तो मेरा अभी इंजन हीट हो चुका है तो मैं गाड़ी को बंद कर रहा हूँ। तो भाई लोग, जैसे कि मैं बता रहा था, आप लोग अपना आरपीएम कैसे सेट कर सकते हैं। आप लोगों को इंजन के राइट साइड पर जाना है और यहाँ पे एक ठो बोल्ट है, देख सकते हैं आप लोग, ये वाला बोल्ट। इसको आप लोग अगर लूज करेंगे तो आपका आरपीएम कम हो जाएगा, और अगर आप लोग टाइट करेंगे तो आपका आरपीएम बढ़ जाएगा। तो इससे आप लोग आरपीएम सेट कर सकते हैं, और आरपीएम को एक पर ही रखना, यही अच्छा रहेगा। तो ठीक है गाइज, आज के वीडियो में उतना ही। थैंक यू।
और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।